अलवर के जिला अस्पताल से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक शख्स के गले पर उस तरह से वार किया गया है जो पूरी तरह से खून में लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंचा। गले से खून बहता जा रहा था। अस्पताल में उसकी हालत देखकर हर कोई घबरा गया। डॉक्टर ने तुरंत उपचार कर उसके ब्लड को रोका। जानकारी में पीड़ित महेंद्र ने बताया कि वह शहर में खदाना मोहल्ला का निवासी है। उसी के पड़ोस में रहने वाले भुल्लन ने बच्चों की आपसी कहासुनी में पहले तो उसकी माँ के साथ मारपीट की, फिर उसने पिता कलिलिया व अन्य परिजनों के साथ मिलकर उसे पीटा और अचानक उस तरह से उसका गला काट दिया, जिसमें वह बुरी तरह से लहूलुहान हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उसका उपचार जारी है। फिलहाल महेंद्र खतरे से बाहर है। परिजनों द्वारा उसकी शिकायत थाना पुलिस को दे दी गई। जानकारी में पता चला कि महेंद्र सूचना व जनसंपर्क विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। सर महेंद्र कुमार, क्या घटना हुई है? सर वो घर पे झगड़ा हो गया था परिवार उनसे, पड़ोसी से। तो पड़ोसी ने क्या है, मैं तो आया था घर पे लादिया से, तो लादिया से आया था कोई काम थी घर पे, सुबह कोई काम था मेरे को वहाँ पर। तो जब आया था लादिया से तो उन्होंने पीछे से क्या है हाथापाई करी, तो पहले मम्मी के साथ, फिर मैं भगा तो मेरे पीछे भगे हैं कोलिन तक, कोलिन में फिर मारा उन्होंने उस तरह मेरे गले में। नाम है भुल्लन और उसका पिताजी का नाम है वो क्या नाम है कलिया, और इनके जितने परिवार वाले 3-4 जने वो हैं सर। तो क्यों मारा उस तरह? सर उस तरह मारा बच्चों के ऊपर, लड़ाई के ऊपर। तब मेरे घर में मैं एक ही हूँ। अच्छा, अब मैं कमाऊँ या लड़ने के लिए जाऊँ? काकनी वासी हो आप? मैं खदाना मुल्ला। वो काकनी वासी है? वो भी खदाना मुल्ला के ही है।